हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड आई होप आप लोगों के नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे होंगे जैसे कि मेरे जा रहे हैं. सो हम लोग निकले हैं आज घर से नवरात्रों के लिए, अष्टमी के लिए, कंजकुब के लिए सामान लेने के लिए. और बस अभी देखते हैं हम लोग क्या जाके लेने वाले हैं. थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब हम जाते हैं इतना सारा सामान होता है ना, मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो. सो लेट्स जस्ट सी कि क्या पसंद आता है और क्या लेते हैं. कल बिठाएंगे हम छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याएं एंड कल करेंगे अष्टमी सेलिब्रेट. तो गाइस हम लोग आए हैं लाल क्वार्टर और आज हम कर रहे हैं स्कूटी की सवारी. हमने अपनी कार खड़ी कर दी है कृष्णा नगर और अंकित यहाँ खाने आए हैं गुप्ता बर्गर. ये हमारे बचपन की यादें हैं, मतलब कितना खाते थे हम लोग. सब नहीं खाया होगा आई फील, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जिसने ना खाया हो और हम लोग अभी भी खाते हैं इसे. और हम आ चुके हैं यहाँ पे लंच बॉक्स या कुछ छोटी छोटी डब्बियाँ लेने के लिए और मैंने ऑलरेडी ले ली है. व्लॉग हम बनाना भूल गए थे और उसके जस्ट बाद मैंने लेना शुरू किया फ्रूट, जो कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. मतलब मैं रेगुलरली फ्रूट्स तो लेती नहीं हूँ, मुझे आम बहुत अच्छे से लेने आते हैं, उसके अलावा मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती हैं. और समझ जो आती है वो मेरे अपने मतलब की होती है. वो पूजा में रखने वाले फ्रूट्स जैसे ब्लूबेरीज़ वगैरह तो मतलब पूजा में नहीं रख सकते ना. तो हमने लिए मैंगोज, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स और क्या लिया था हमने, काफ़ी कुछ लिया था. 5 तरीके के फ्रूट्स होते हैं जो पूजा में रखने होते हैं. 12 बर्गर खाने आ चुके हैं. हमने होल सेल में 50 रुपये बचाए जिसके हम 40 का तो बर्गर खा गए हैं. बचे 10 रुपए, उसका क्या करेगा? माजा भी हुआ 10 रुपए. अभी 4 मंच और लेनी है. अंकित दूसरा बर्गर खा रहा है. लोग तुझे कह रहे तू पतला हो रहा है, तू मोटा होने की तैयारी कर रहा है. ये तो राज है मेरे पतले होने. आ चुके हैं घर और हमारी गली कितनी प्रिटी सजी हुई है नवरात्रों के लिए. आई गेस हाँ, नवरात्रों के लिए ही है. अंकित जी घर आ गए हैं. अब घर आके क्या करेंगे आप? पैकिंग? हाँ कभी. कौन बना के देगा? और घर आने के बाद सामान इतना सारा था कि मतलब हमारे हाथ कम पड़ गए थे और घर पे संतोष था नहीं. तो बस हम लोगों ने खुद ही जिम्मा उठाया कि हम लोग खुद सामान सारा ले जाएंगे. और यहाँ अंकित से ना माजा की जो वो है कार्टून वो गिर चुका है क्योंकि वो किसी मतलब थैली वगैरह में था नहीं, तो वो उसका ढंग से होल्ड हो नहीं पा रहा था तो वो गिर गया. और फिर उसके बाद हमने ऊपर आके सारे पैकेज अलग अलग करे और इनके बनाए हमने हैम्पर्स. मतलब ये ओली तो अपना खुजाने में ही लगा रहता है, इसके पास कोई काम नहीं है. मतलब ऑब्वियसली क्या ही काम करेगा ये. और यहाँ पे अंकित जी कर रहे हैं पैकिंग. मैं तो बस सबका व्लॉग बना रही थी, मैंने कोई काम नहीं किया. हाँ बस थोड़े बहुत लेस के पैकेट, मतलब जो उसके मतलब क्या होता है उसको तोड़ के दे दिए थे और बस थोड़ी बहुत हेल्प करी. और बाकी सारा काम तो अंकित ने ही करा. अंकित की मदद थोड़ी सी मम्मी ने भी करा दी थी क्योंकि अंकित फिर ना सबको ताने देता है और अगले दिन सब कलप थे अंकित से. सो बस अंकित ने पैकिंग करी और मम्मी ने भी, देखो आपको मम्मी भी दिखेगी यहाँ पे थोड़ी बहुत हेल्प कराती हुई. मम्मी ने भी काफ़ी सारे हैम्पर्स पैक करे थे. सो और अंकित यहाँ बोल रहा है कि मैं बस व्लॉग बना रही हूँ और कुछ नहीं कर रही. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.